तो दोस्तों सोना BLW, जिसको सोना कॉमस्ट्रा के नाम से भी आप जानते होंगे, कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 884 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जॉइंट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 731 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 891 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने वाला। साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 22% के आसपास की तेजी आपको देखने वाले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर 1% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, लेकिन साल दर साल एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कंपनी शो करने के लिए 891 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जबकि मार्केट का अनुमान बहुत कम था इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, मात्र 860 करोड़ के आसपास था। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से बेहतरी कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग बोल सकते हैं 704 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 585 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 711 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑनलाइन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिले। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 148 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 112 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 141 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते हैं 27% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे 3 से 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 141 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 139 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं मार्केट का अनुमान से तो अभी भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 2.31 रुपये के आसपास, पिछले साल 1.91 रुपये, अभी देखें तो बढ़ गया 2.42 रुपये के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर आपको पॉजिटिव साइड पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू के अंदर तेजी है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, और कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को लेकर उससे बेहतर आपको कंपनी के नंबर देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।